7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह परमार की यह खबर। यूथ कांग्रेस द्वारा चलाया जाएगा बूथ चलो अभियान। विधानसभा में 2000 लोगों को दिलाई जाएगी सदस्यता। रविवार की दोपहर टीकमगढ़ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र भास्कर के नेतृत्व में सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा में 2000 नए युवा साथियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष समन्वय बनाकर मतदाता सूची का परीक्षण कर नए मतदाताओं को जोड़ने का टारगेट भी दिया गया है। खासकर ऐसे युवा जो 18 से 25 वर्ष की आयु के हो, उन्हें एक माह में युवा कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्षों को बूथ चलो अभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तय किया गया है कि फरवरी अंत तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2000 युवाओं को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह परमार। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भैया विक्रांत भूरिया जी के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर एक बूथ 5 यूथ कार्यक्रम का आगाज किया गया है, जिसके तहत बूथ चलो अभियान नीचे करिए कि आगे के कार्यक्रम की योजना के लिए हमने आपको आज आमंत्रित किया है। चूँकि प्रत्येक विधानसभा में हमें लगभग 2000 नए लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट मिला है, जिसका काम हम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही 18 से 25 वर्ष के नए लोगों को जोड़ने का भी काम हमें करना है। इसके साथ ही जिस प्रकार BJP के कई लोग नई मतदाता सूची में गलत नाम जोड़ के 2023 का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी प्रकाशन हमें गांव में जा जाकर उसका प्रकाशन कराना है और ऐसे लोगों को उस सूची से दूर रखना है जो गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं।